हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक 12th इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल. आप जानते हो डिफाइनेट इंटीग्रल में क्या होता है? डिफाइनेट इंटीग्रल में लिमिट्स प्रोवाइडेड होते हैं इंटीग्रेशन का. ओके दोस्तों, तो ज्यादा देर न करते हुए अपना मैजिक, एक्टिव का मैजिक शुरू करते हैं. नंबर वन, चलो प्रॉपर्टी. इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स. मतलब हियर एक्स इज रिप्लेस बाय ए माइनस एक्स. एक क्वेश्चन लेंगे अपन तो आपको समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के शायद आपको उतना अच्छे से नहीं समझेगा. जीरो टू फाइव बाय फोर, लगभग सभी स्टेट बोर्ड में भी ये है और डिप्लोमा में भी है. लगभग बहुत सारी जगह पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा. मैंने जानबूझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है. इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स डीएक्स. तो इसमें कुछ बातें आपको लगेगी, बेसिक नॉलेज ट्रिगोनोमेट्री का वगैरह. अच्छे से वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स डीएक्स, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन जहां एक्स है, यूजिंग प्रॉपर्टी जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स. सो इन दिस केस हियर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ए माइनस एक्स. एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ए माइनस एक्स, दैट इज इन दिस केस ए इज पाई बाय फोर. देखो ना प्रॉब्लम में, जीरो यानी ए, मतलब जीरो टू ए, सॉरी जीरो टू ए मतलब जीरो जीरो है, ए पाई बाय फोर है. वहां पे ए की जगह क्या रखा? पाई बाय फोर रखा वहां पे. सो देयरफॉर इक्वेशन वन चेंजेस एज. इन सभी बातों की वजह से इक्वेशन नंबर वन बदल जाएगा दोस्तों. लिमिट्स एज इट इज होंगे, लॉग भी एज इट इज होगा. देखो ना, लॉग एज इट इज होगा, वन प्लस टेन भी एज इट इज होगा. एक्स जाके क्या आएगा? पाई बाय फोर माइनस एक्स समवेयर डीएक्स, जस्ट लाइक ए, जस्ट लाइक बी. ओके, यूजिंग टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ, टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी. ओके दोस्तों, अच्छे से देखो, टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी. तो इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को, लॉग ऑफ वन प्लस एज इट इज टेन ए माइनस टेन बी होल अपॉन वन प्लस, कहीं दूर डीएक्स. ओके, बट टेन पाई बाय फोर इज वन. आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस टेन एक्स होल अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, कहीं दूर डीएक्स. एक एक स्टेप देखो अच्छे से दोस्तों, बड़ा सिंपल है. क्या चेंज हुआ? जहां टेन पाई बाय फोर था, टेन पाई बाय फोर जाके क्या आया दोस्तों? वन आया. और क्या? लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस टेन एक्स होल अपॉन वन प्लस टेन एक्स, कहीं दूर डीएक्स होल अपॉन वन. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स होल अपॉन वन प्लस टेन एक्स डीएक्स, प्लस माइनस गेट्स कैंसल, वन प्लस वन टू होता है दोस्तों. हाँ, सो मेरे प्यारे दोस्तों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस वन यानी टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स
कहीं दूर dx, इसको m बोलो इसको n बोलो, ओके फॉर्मूला अप्लाई होगा log का, log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x कहीं दूर dx, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, ये m लिया था और ये n लिया था, ओके log 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई किया 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 हाँ log ऑफ 1 प्लस tan x कहीं दूर dx, I इज इक्वल टू log 2 1 dx का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाय 4 माइनस log of 1 plus tan x, ये पूरा टर्म इक्वेशन 1 था माइनस i सिंस इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों आप देख सकते हो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 log of 1 plus tan x dx ये जो है वो i होता है, i यानी आपको पता है इंटीग्रेशन, यस i बोले तो इंटीग्रेशन, तो ये पूरा टर्म इक्वेशन 1 की वजह से आय हुआ है और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस आय और ये इधर आके प्लस हुआ लॉग टू और ये इसका एक्स जीरो टू पाई बाय फोर, फिलहाल मैं एज इट इज रखता, आय प्लस आय टू आय लॉग टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन पाई बाय 4 माइनस 0 टू आई इज इक्वल टू पाई बाय 4 लॉग 2, सो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 4 इंटू लॉग 2, यस सो आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 इंटू लॉग 2, ये वो आपका कंप्लीट आंसर। सो इंटीग्रल 0 टू a प्रॉपर्टी में आपको ये याद रखना है, बताता हूं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं फिर से एक बार, 0 टू a जो प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है किसी मेथड से उसके लिए फिर प्रॉपर्टी यूज करना है, ओके फिर और किसी लेक्चर में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सो इन दिस वे x इज रिप्लेस बाय a माइनस x इन गिवन f ऑफ x, दिए वाले फंक्शन में x जाके a माइनस x आता, a के रोल में कुछ तो होगा टर्म पाई बाय 2 पाई बाय 4 या समथिंग पाई बाय 3 या और कोई नंबर 0 टू 9 आया तो a हुआ 9 है कि नहीं, तो उस हिसाब से सॉल्व होगा, बिल्कुल टेंशन वाला मामला नहीं है, आप अच्छे से समझ लो, पहला प्रॉब्लम है एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके कीप वॉचिंग एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख, थैंक यू गाइज, थैंक यू।